भारत की आजादी के बाद जन्म हुई पीढ़ी को जो आजादी मिली है उसका क्या मूल्य है, तिरंगा ध्वज फहराने का क्या मतलब है, इसके लिए किए गए बलिदान और इसके पीछे के इतिहास को जानने के लिए 75 अधिकारी अमृत महोत्सव के वर्षों के दौरान 75 स्कूलों को संबोधित करने जा रहे हैं। यह निर्णय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा स्वराज महोत्सव के संबंध में आयोजित बैठक में लिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, इसलिए यह तिरंगा कैसे लगाया जाए, इसके साथ ही इस तिरंगे को घर पर रखने का सौभाग्य किसको मिला, स्वतंत्रता संग्राम क्या था जिसने इसके लिए बलिदान दिया, आने वाली पीढ़ियों को संविधान का महत्व बहुतों को बताने के लिए जैसे प्रश्न, भविष्य में हर स्कूल में छात्रों को हर घर तिरंगा के संदर्भ में पोस्टर दिखाया जाएगा, और साथ ही आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अधिकारी छात्रों को एक ही संदेश देंगे। कलेक्टर आर विमला के मार्गदर्शन में इस बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमल किशोर फुताने, नगर निगम के अपर आयुक्त राम जोशी सहित विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।